हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं आ आप गई सभी हूँ का स्वागत है मेरे आज न्यू व्लॉग में। तो भाई लोग अभी बना रहे हैं सैरी सैरी। हाँ सैरी सैरी में हम लोग अंडा फायर बना रहे हैं। नहीं अबे आज के नाम चेंज करा अपने व्लॉग में अलग है, तो इसका नाम क्या था? तूफानी अंडा। तूफानी अंडा। सो गाइस तूफानी अंडा आप लोगों को मिलने वाला है अभी हम लोग के चैनल। हाँ हम लोग के चैनल पे आके देखो। हम लोग इस पे रेसिपी नहीं बताएंगे, उस पे रेसिपी बता रहे, लेकिन ये सिर्फ बीच बीच में आके ऐड की जैसा जाएगी। हाँ थोड़ी देर आएगी, हंसाएगी, ही करेगी और चले चलो जाओ कॉमेडी। आपका आपका वक्त यहीं तक था, आप जाइए आराम करिए। अभी ये व्लॉग बना। सो गाइस मैं आराम कर रही हूँ, आप लोग मेरे को देखो मैं आराम करती कैसा हूँ। मेरे भाई लोग काम कर रहे हैं, मेरे भाई लोग कितने अच्छे गार्गल करना पड़ेगा। चलो अरे यार बोलने नहीं दे रहे मेरे को। जैसे अभ्रेश यहाँ से गया उदा को उठाने, वैसे ये खड़ी हो गई कैमरा लेके। जैसे ये देखो इन लोग दम करके स्टीम रखने के लिए रख दिए। अरे वो ढक्कन ही है। तो अभी लोग की रेसिपी रेडी होने वाली, बहुत टेस्टी होती है। हम लोग खाए, हम तूने बना दी। हर संडे संडे भाई हम लोग को बना के खिलाता है। खिलाता था। हाँ तूने बना दी ना, इसलिए जाते हम लोग इस वजह से बना नहीं पाते। अरे सबको बता, जरा भी खाना बनाने बता दो। अभी ये बोला ना मेरी बहन तू ही है खाली, तब तू है ही। वाईफाई ये तो बता अभ्रेश भाई, सीखा कैसे ये? तुम लोग नहीं बनाते थे इसलिए सीख लिया। नहीं नहीं ये सही, एकदम सही बोला। अब बताइए अभ्रेश सीखा कैसे? ठीक है तुम लोग खाना नहीं बनाते थे ना घर में, उसको बनाना पड़ता था। ये राज भाई अपने मुंह से खोलेगा। हम लोग 1 बजे सो के उठते थे गाइस। 1 बजे सो के उठने के बाद खाना नहीं मिलता था, सीधा पहले नाश्ता करने का था। तो हम लोग को नाश्ता करना जरूरी है 1 बजे, तो उठते साथ में नाश्ता करने। अरे नहीं नहीं निकलेगा वो जो कि तुम लोग नहीं देते थे। वीडियो में ले, वीडियो में ले। अबे सीटी नहीं बोलते, अरे वो धुआं ही मार रहे हैं, जल्दी ले। ये बोल कहाँ था इतनी रात तक? ए दिशाना बोल। ये देखो नींद में अमन, गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग। तो ये देखो अभी सब नाश्ता कर, ये सॉरी सैरी कर रहे हैं। बैठ जाओ, खा के देख रहे कैसा बना है। मस्त एकदम ने बनाए ना बच्चे, अच्छा लग रहा है। भाभी कैसा बना? अच्छा। तो हो गया है नेक्स्ट डे, सैरी कर लिए थे, सब कुछ कर लिए। फिर उसके बाद में जस्ट अभी थोड़ा टाइम हुआ है, उठ के नमाज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं जा रही हूँ टेलर के पास में, कुछ कपड़े रखे हैं वो सिलने देना है, टेलर को जाना है, नाप देना है, सब करना है। तो चलो चलते हैं। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। कपड़ा सिल देती है, मेरा उससे ही काम हो जाता है। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ तो अरे ये बुटीक है वो मेन मास्टर है ना। अच्छा आएगा 1 तारीख को। अच्छा मोहन बेगर आज मेरा इसी ग्राम पे है, हुआ एक कार्पेट बुटीक डालेंगे ना, तो हमारे जो बने हुए डिजाइन है ना वो सब आपको आएगा। अच्छा अच्छा अंकल की दुकान का प्रमोशन। अब नहीं फिर भी मेरी बहन मेरा कपड़ा सिलती ना, तो मेरे को कभी हाँ सिल दिया हूँ लंबाई से। ठीक है तो दे दिए हम लोग ने नाप टेलर भैया को। तो अभी ये बिल हम लोग को उन्होंने दिए हैं ऐसे, ये लगा के पेपर पे। अभी जल्दी से जाते हैं घर, लेट हो रहा है। आज मैं कुछ रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगी, तो चलो घर पे जाके देखते हैं कि क्या रेसिपी बनाना है। चलो
आ गए हम लोग घर पे, तो सोच रही थी कि आज कुछ बनाऊंगी लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि मम्मी बोल रहे हैं, मैंने दाल भी कल रात में भिगा के नहीं रखी, मुझे लगा कि होगी दाल खुद को बनाने का नहीं है तो ऐसा नहीं होगी। सही बोल रही मम्मी, तो बोले मम्मी सच बोल रही हूँ ना, हाँ अभी इतने टाइम नहीं हो सकता है पूजा, तो कल रात में भिगाना था, कल सोची लेकिन मेरे को लगा कि दाल है नहीं, और मम्मी बोलते बहुत सारी रखी हुई है, तो इंशाल्लाह आज रात में भिगाएंगे और कल बनाएंगे, और फिर उसके बाद में वो चिकन का रोल बनाने के लिए सोच रही थी, तो मम्मी बोले जब रेडीमेड आ जाता है तो वो मत बना, इंशाल्लाह रेसिपी अब मैं कल डालूंगी, आज जो भी है नहीं कल डालूंगी। क्या बनाऊ रे ऐसे तो तो कीमा लेकर आ, कीमा लेकर आ, मैं जाऊँ हरी मिर्ची भी नहीं, मैं कहाँ से जाऊँगा गाड़ी से, ए हरी मिर्ची भी नहीं, काम करने वाला हूँ। हटो हटो, क्या काम नहीं करते हुए देख रहा है क्या, ये काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम है बेटा, क्या क्या है क्या है वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, अल्लाह इसको बोलने नहीं आते भाई, उसमें भी तू नहीं समझी अभी। अच्छा वो सब छोड़ जा, जाकर लेकर बाजू में बैठे थे, वो नहीं वो थक गए हम लोग जाके आए अभी तो, अमन कुछ तो काम कर लिया कर, अमन यही कर रहा हूँ मैं काम। अभी हम लोग जा रहे हैं मेडिकल लैक्टोजन का डब्बा लेने के लिए, मैं उनको 10 डब्बे के लिए बोली थी तो उनके पास में 2 ही था, तो अभी कॉल आया था मेडिकल से कि उनका बाहर से जहाँ से भी वो मंगवाते हैं सामान वहाँ से आ गया है, तो चलो इधर है शबो, तो चलो जाके ले लेते हैं डब्बे उन लोग से, भैया बोले कि आके ले लो, तो चलो जाते, तो चलो आ गए हम लोग मेडिकल जल्दी से जाते हैं। क्या हो भैया? अच्छा आप निकाल के, कितना नंबर है? 2 नंबर। हाँ दूध का डब्बा बहुत महंगा है, 50 ना? 2 थैली में ये पैक करके। अच्छा 100 रुपीस ही आ रहा है, ठीक है डिफरेंस आ रहा है वो दे दिया, ठीक है भैया आपने कुछ भी डिस्काउंट करके नहीं दिए इसमें, हाँ क्या हाइफा खान, हाइफा खान, हाइफा खान, हाइफा खान, HAIFA इनका बनाया था ना आपने वीडियो, हाँ वही देख लेना वो वाली, चल ठीक है थैंक यू भैया। चलो तो चलो हम लोग ने ले लिए हैं, ये देखो बाप रे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है मेरे को तो ये, चलो जल्दी से जाएंगे घर पे, सब लोग वेट करें, नाज मम्मी भी आए हैं, अफ्तारी बनाना है, वैसे तो अफ्तारी मैं बनाऊंगी नहीं, आज मैं खाना बनाने वाली हूँ, मम्मी बोले कि नहीं अफ्तारी तू मत बना तू खाना बना, तो चलो अभी अक्षदी लोग सामान लेने गए हैं इफ्तार का, खाना बनाना स्टार्ट करेंगे अफ्तारी के बाद शायद, क्योंकि अभी तो अफ्तारी का टाइम हो गया, अफ्तारी बनेगी। तो आ गए हम लोग घर पे, जल्दी जल्दी जाते हैं, चलो तो हम लोग बैठ गए हैं सब लोग रोजा खोलने के लिए, हो गया कहानी घर घर की दिखाई है। तो मैंने अभी मैंने आप लोग को बोली थी कि खाना मैं बनाऊं, तो खाना मतलब हो ही गया है ऑलमोस्ट, ऊपर खोल के देख रही हूँ, इन लोगों को खाना था कीमा, सफेद कीमा मैं बनाती हूँ तो वो खाना था, वो बन अभी तो बना नहीं है, थोड़ा कच्चा इसमें और पानी डाल के मेरे को और ये करना पड़ेगा, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शायद से शेयर कर चुकी हूँ, हाँ अगर किसी को सीखना होगा कि सफ़ेद कीमा कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों के साथ में फिर से रेसिपी शेयर करूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है,
कोथमीर वोथमीर मैंने काट के रखी हूँ डालने के लिए। कोथमीर डालते हैं फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के फिर एक दो सीटी ले लूँगी। तो ये देखो कोथमीर, जैसे कि आप लोग को पता ही है मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कीमे में। ये शबू तेरे को अच्छी लगती? मेरे को तो अच्छा लगता है कीमा बहुत ज़्यादा। कीमा अच्छा लगता है ना? सफ़ेद कीमा मैं अच्छा बनाती ना, अपने मुँह से मैं अपनी तारीफ कर रही। देखो पर अच्छा बनता है इनका सारा खाना, झींगा पुलाव तो और अच्छा। अरे हाँ रे, मैं सोच रही थी झींगा पुलाव बनाने, लेकिन खाए हो गया खाए हुए। बनाऊंगी मैं। एक दो सीटी और लेना पड़ेगा मुझे, एक दो सीटी लेकर फिर उसके बाद में पानी ले लूँ। पानी डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा, ये करके इसको दो सीटी और ले लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग कोथमीर थोड़ी सी डाल के डाल, हाँ तो वो तो डाली। अभी इसमें देख पूरी कीमे में पूरी खुशबू महक जाएगी। अभी देख पूरी खुशबू महक जाएगी, फिर उसके बाद में अपन ऊपर से गार्निश के लिए डालेंगे बस। अभी तेरे को कल क्या खाने का तुम्हें को ये बता। मेरे को चीज बॉल छोड़ के, अच्छा झींगा पुलाव, वो तो अक्षत को बोलूंगी मैं लेकर आ जाएगा। वो वड़े होते ना, दही वड़े, अबे मेंदू वड़े नहीं, वो दही वड़े, दही वड़े तीखे वाले अबे मीठे तीखे वाले नहीं, तीखे वाले तो वो ईद में बनते अपने यहाँ ना, तो मीठे वाले बना दो। हाँ तो कल हम लोग बनाएंगे दही वड़ा। मम्मी ने पहले से ही थैली, ये दाल की थैली निकाल के रख दी है ताकि मैं भूलूँ नहीं कि कहाँ रखा है सामान, कहाँ रखा है, क्योंकि कल मम्मी सो गए थे तो इस वजह से कल मैं दाल नहीं भी गई, वरना आज दही वड़े बनाती थी। तो अभी मम्मी ने दाल निकाल के रख दिए, खाना खाने के बाद रात का हम लोग ये कर लेंगे, भिगा के इसको रख देंगे, फिर सुबह में पीस के अच्छे से दही वड़ा बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो हो गया है मेरा कीमा बनके रेडी, बस इसमें मेरे को ये डालना है नमक वमक सब बराबर है। अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं, मुझे ये कोथमीर डालना है। और हाँ, कुछ लोग के मैंने कमेंट्स पढ़ी हो तो उसमें ये है कि आप अभ्रेश भाई को सहरी में बासी खाना देते हो, तो नहीं बासी खाना नहीं देते हैं, रात में बनाते हैं तो वही सहरी में मतलब इतना बन जाता है कि सहरी में भी वो यूज़ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी कैसा होता है, कुछ लोग दोपहर में ही बना लेते हैं दोपहर का और रात का खाना बना लेते, तो रात में खाएंगे बासी थोड़ी ना होता है, दो तीन घंटे की आड़ में अगर खाएंगे तो वो खाना बासी नहीं होता है। अभी धनिया डल रहा है, ये इनका वाइट कीमा हो गया है मेरा कीमा रेडी। तो अभी शबु बताएगी खा के कैसा बना है, टेस्ट में कैसा है। भाई लोग से पूछेंगे, वो लोग बहुत ये करते हैं कि अच्छा नहीं है, तो देखते हैं आज कैसे बुराई करते हैं और किस की क्या नुक्स निकालते हैं वो देखेंगे। तो चलो मिलते हैं बाद में। हाँ तो अमन कैसा बना है खाना? अच्छा, पहली बार, बहुत टाइम बाद। अच्छा चलो ठीक है। तो चलो अभी अमन को तो अच्छा ही लगा है खाना, अभी भाई लोग आए नहीं, वो लोग शायद चले गए हैं जिम, तो अभी वो लोग आएंगे तो वो लोग खाएंगे, तो उन लोग का भी मैं रिव्यू लूँगी, आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। दिशान खाना कैसा बने? दाल चावल एक नंबर। कीमा? कीमा? सही बोलना ओवर एक्टिंग मत कर, ₹5 दूंगी। ₹5 मैं नहीं बिकता, खाने अच्छा। को बुरा नहीं बोल सकते, तेरे को मालूम है ना। हाँ तो बहुत अच्छा बने। एक खाने को बुरा सही बोल, अच्छे से तारीफ कर। तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छा बना है, बहुत। तूने बनाई है? हाँ मैं बनाई, कैमरा लेके खड़ी हो गई। भाई कैसा बना है? कैसा बने? बचा रहा हूँ और चाहिए देखो। अच्छा, मैं ज्यादा खा लिया ना तो प्लेट में ज्यादा आ गया,
कभी सोच रहा हूँ दे दूँ तब समझ गए तेरा। अरे भाई बोलना, सब लोग बोलते हैं कि अमरीश भाई को अच्छा खाना नहीं खिलाते। सच बोलते उसमें झूठ क्या है। आज तो इन लोग कोशिश कर रहे हैं, अब तो अभी धीरे धीरे करके अच्छा पकने लगे। अच्छा आप ऐसी कमेंट मेरा दाल चावल के आगे कीमे का टेस्ट समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कमेंट करते रहो, अच्छा मिलते जाएगा। बोल, कैमरा चालू ही नहीं था मेरा। आप क्या बोल रहा है? जो बोल रहा था आप निकलता, एक बार निकलता है, बार बार नहीं निकलता। नहीं रीटेक क्या बोल रहे थे? ले ले कमेंट देख देख के इसको खाना बनाने का जोश आया है। ऐसा कुछ नहीं है रे। भूल गया बे। कट कर दे।